सुपरस्टार सिंगर 2 के मंच पर गेस्ट बनकर आए म्यूजिक कंपोजर आनंद जी के आने से माहौल रंगीन हो गया। हर कंटेस्टेंट में एक अलग ही जोश देखने को मिला। अरविंदा की टीम के कंटेस्टेंट फैज ने तो कमाल ही कर दिया। फैज ने नीले नीले अंबर पर गाना गाया और फैज के इस गाने पर सब झूमने लगे। अरुणिता को तो इस कदर पागल होते देखा गया कि पवनदीप भी उन्हें देखकर शॉक रह गए। वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं अरुणिता अपनी चेयर से उठकर खूब नाचती हैं। उनके साथ साइली और सलमान भी नाचने लगते हैं, लेकिन पवनदीप नाचने के बजाय अरुणिता को गौर से देखते रहते हैं। फैज के गाने पर अरुणिता बहुत खुश नजर आ रही है, क्या सब कुछ ठीक तो है। और कहीं ना कहीं पवन मंच पर घबराए भी बैठे हैं। उन्हें डर लगता है जब उनकी टीम के कंटेस्टेंट गाना गाने आते हैं। उन्हें घबराहट होती है कि पता नहीं उनकी परफॉर्मेंस सबको पसंद आएगी कि नहीं। वही अरुणिता मस्त मौला होकर इन दिनों को खूब इंजॉय कर रही है। पवनदीप को भी अपने एंजॉयमेंट में शामिल कर रही है। कहीं ना कहीं पवनदीप भी उनके रंग में रंगते ही जा रहे हैं। वो भी अरुणिता की तरह हल्के हल्के हाथ पैर आने लगते हैं। कल सैटरडे है, यानी सुपरस्टार सिंगर 2 के लिए खास दिन है। इस मंच पर कल स्पेशल गेस्ट बनकर आनंद जी आने वाले हैं। जी हाँ, म्यूजिक कंपोजर आनंद जी के साथ सभी कंटेस्टेंट खूब धमाल मचाने वाले हैं, खूब गाने गाने वाले हैं। वही आपको बता दें, साइली कांबले की एक पिक्चर ने भी सोशल मीडिया पर धमाल मचा दिया है। जी हाँ, इंडियन आइडल फेम साइली कांबले कुछ दिन पहले ही शादी के बंधन में बंधी थी। शादी के कुछ दिन बाद ही जब नई नवेली दुल्हन साइली कांबले सुपरस्टार सिंगर 2 के सेट पर पहुंची, तो उनकी टीम मेंबर्स ने कुछ ऐसा किया कि उनकी आंखें भर आईं। उनकी आंखों से आंसू छलक उठे। सुपरस्टार सिंगर 2 में साइली कांबले कैप्टन के रोल में हैं। उनके अलावा इंडियन आइडल 12 विनर पवनदीप राजन और फर्स्ट रनर अप रही अनिता कांचीलाल भी कैप्टन के रोल में हैं। साइली कांबले जब सेट पर पहुंची तो उनकी टीम मेंबर्स ने इमोशनल सरप्राइज दिया। इस बारे में साइली कांबले ने कहा कि जब घर की बेटी की शादी होती है तो एक खास रस्म निभाई जाती है। जब शादी के बाद वो पहली बार अपने मायके आती है तो भाई बहन के पैर धोता है और पूजा करता है, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ क्योंकि मेरा कोई भाई नहीं है। लेकिन मेरी टीम में जो सिंगर्स हैं उन्होंने मेरे लिए सरप्राइज प्लान किया है, उन्होंने इस रस्म को निभाया है। साइली कांबले के मुताबिक उनकी टीम के एक मेंबर सिंगर ने सेट पर उनके पैर धोए। वो बोली, वो लोग एक लाल दुपट्टा लाए थे जो मुझे रस्म के दौरान उन्होंने पहनाया था। उन्होंने मुझे एक खूबसूरत से स्टूल पर बैठाया, मेरे पैर धोने के लिए गुलाब की पंखुड़ियां डालकर पानी में लाए। शादी के बाद वो मेरा पहला शूट था तो ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं अपने मायके आई हूँ। उन्होंने मेरे लिए जो किया वो बहुत ही स्पेशल था। आज के जमाने में मैं जब लोगों की इतनी परवाह करते और प्यार करते देखती हूँ तो मेरा दिल प्यार और खुशी से भर उठता है। साइली अपनी ये रस्म देखकर उन्हें अपने भाई की भी याद आई होगी कि काश उनका कोई भाई होता तो आज ये रस्म होती। लेकिन इस बच्चे ने साइली की बिल्कुल भी ये कमी खलने नहीं दी। साइली कांबले ने इस साल अप्रैल में बॉयफ्रेंड धवल पाटिल से शादी की थी। शादी में इंडियन आइडल 12 की कई कंटेस्टेंट भी पहुंचे थे। साइली कांबले ने धवल से दिसंबर 2021 में सगाई की थी और बहुत ही प्यारी फोटोशूट भी करवाया था और उन्होंने प्री वेडिंग फोटोशूट भी किए थे, जिसके कुछ पिक्चर उन्होंने शेयर कर अपने फैंस को इस बात की जानकारी दी थी। पहले आप साइली कांबले की इस रस्म को लेकर क्या कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। अरुणिता को सुपरस्टार सिंगर 2 के मंच पर बहुत मजा आ रहा है। वो हर एक दिन को मजे के साथ एंजॉय कर रही है। हर रोज वो एक नई उम्मीद और एक नई किरण के साथ लोगों के साथ एंजॉय करती हैं। और हमें यकीन है कि अरुणिता की ये मेहनत एक दिन बड़े मुकाम तक जाएगी। वैसे तो अरुणिता धीरे धीरे सफलता की सीढ़ियां चढ़ती जा रही है, लेकिन उन्हें अभी भी बहुत स्ट्रगल करना होगा। और खास बात, हर कदम पर अरुणिता का साथ पवनदीप देते हैं। पवनदीप अरुणिता को अपना फैमिली मेंबर मानते हैं, उनकी फैमिली मेंबर की तरह उन्हें ट्रीट करते हैं, हर वक्त उनके साथ रहते। लेकिन इस वक्त पवनदीप अलग है और अरुणिता अलग है। कहीं ना कहीं अरुणिता पवनदीप को मिस कर रही है। दरअसल सुपरस्टार सिंगर 2 के मंच से एक और क्यूट वीडियो आई है जिसमें पवनदीप की प्यारी सी हरकत दिखाई दे रही है और अरुणिता उनकी इस हरकत पर उनका सपोर्ट भी करती हैं। दरअसल पवनदीप कल के उत्तराखंड में है, हो सकता है कि वो अपनी फैमिली से मिलकर ही वापस मुंबई लौटे।
अरुणिता मुंबई में सुपरस्टार सिंगर 2 के सेट पर हैं। वहीं आपको बता दें सुपरस्टार सिंगर 2 के सेट से क्यूट वीडियो सामने आई जिसमें अरुणिता अपने शो का प्रमोशन करती नजर आ रही है। अपने फैंस को बता रही हैं कि संडे सैटरडे को 8 बजे फ्री हो जाइए क्योंकि हम आपका इंतजार कर रहे हैं। अरुणिता वीडियो में पवनदीप के पास खड़ी है और वो इतनी ज्यादा खुश और इतनी ज्यादा एक्साइटेड दिख रही है कि वो पवनदीप को पीछे करके कैमरे की तरफ चलती चली आ रही है और कहती है कि बहुत मजा आने वाला ये एपिसोड तो बिल्कुल मिस मत करना। अरुणिता की एक्साइटमेंट देखकर पवनदीप भी मंद मंद हंस रहे हैं और उन्हें देखे ही जा रहे हैं। फैंस के दिल में कुछ हलचल होने लगी है कि आखिर अरुणिता ने इस एपिसोड को देखने के लिए इतना फोर्स क्यों डाला है, आखिर इस एपिसोड में ऐसा क्या है जिसकी वजह से अरुणिता सबको बता रही है कि एपिसोड मिस मत करना, क्या फिर से पवनदीप और उनकी नई केमिस्ट्री दिखाई देने वाली है। फिर जल्द ही ये सब पता चल जाने वाला है, तब तक के लिए आप ये बताइए क्या आप पवनदीप और अरुणिता को एक साथ देकर क्या सोचते हैं। कभी पवनदीप को सुपरस्टार सिंगर 2 के मंच पर भांगड़े पर डांस करवाया जाता है, कभी पवनदीप अरुणिता के साथ कपल डांस करते हैं तो कभी बच्चों के साथ पवनदीप मंच पर फनी हरकतें भी करते हैं। कुछ इन दिलचस्प एक्टिविटीज के साथ सुपरस्टार सिंगर 2 के मंच पर रौनक बनी हुई है। इस सेट पर कुछ हंसी मजाक के पल हैं तो कुछ इमोशनल पल भी देखे गए। जब ये शो खत्म होने के बिल्कुल करीब पहुंच जाएगा तो कंटेस्टेंट और कैप्टन के बीच जो प्यार दिखने वाला है वो शायद आपको रुला कर जाए। जी हाँ, सुपरस्टार सिंगर 2 के कंटेस्टेंट को कैप्टन से इस कदर प्यार हो गया कि इन्हें अपने घर की बिल्कुल भी याद नहीं आती है। अब तक 7-8 एपिसोड हो चुके हैं और इन बच्चों ने अपने घर को मिस भी नहीं किया है क्योंकि पवन अरुणता इनकी फैमिली की कमी बिल्कुल खलने नहीं दे रहे हैं। जी हाँ, पवन अरुणता खुद इनके पेरेंट्स की तरह इन्हें ट्रीट कर रहे हैं और वाकई लास्ट के वक्त सबको ये प्यार बहुत ज्यादा रुलाने वाला है क्योंकि जब अंता कांचीलाल अपने आंसू नहीं रोक पाई थी तो फिर ये तो बच्चे हैं। याद हो आपको इंडियन आइडल 12 के फिनाले के कुछ ही दिन रह गए थे, सबको पता चल गया था कि सब लोग अलग अलग होने वाले हैं, फिर से सब अपनी अपनी दुनिया में लौट जाएंगे और शो खत्म होने के बाद कोई अपने घर गया तो कोई नए प्रोजेक्ट कर रहा है। इंडियन आइडल के मंच पर लास्ट में 7-8 कंटेस्टेंट का साथ देखा गया था। एक तरह से इन्हें एक दूसरे के साथ रहने की आदत पड़ गई थी और जब इस बात का एहसास अरुणिता को हुआ तो वो मंच पर रोने लगी थी। जी हाँ, जैसे जैसे शो खत्म होने को था वैसे वैसे अरुणिता के दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। उन्हें लग रहा था कि वो पवनदीप से बिछड़ जाएंगी। हालांकि अरुणिता अभी तक पवनदीप के साथ ही है, उनके साथ शो कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें डर सता रहा था और उनके बिछड़ने का डर उनके लास्ट में साफ चेहरे पर दिखाई दे रहा था। लास्ट के वक्त अरुणिता मंच पर बुरी तरह रोने लग गई थी और ऐसा ही कुछ अब सुपरस्टार सिंगर 2 के मंच पर होने वाला है। वेल, आप इनकी इस लविंग केमिस्ट्री के लिए क्या कहना चाहेंगे?